हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं पोलो का TSI वेरिएंट, क्या क्या फीचर दिया गया है, क्या वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे दिखती है गाड़ी आगे से? यहाँ पे दे रखा है वोक्सवैगन का लोगो। ये आपको पियानो फिनिश में ग्रिल दे रखी है, ये सिल्वर फिनिश दे रखे है आपको। नीचे साइड में आपको एयर कटर मिलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 180mm का। बाकी बात करते हैं लाइट की। लाइट आपको एलोजन ही मिलती है, दो लाइट मिलती है, एक पार्किंग बल्ब, यहाँ पे मिलता है इंडिकेटर। नीचे साइड आपको मिलता है फोग लैम्प, यहाँ पे ऐसे दे रखे कर्टन वगैरह। ऐसी दिखती है इसकी लुक। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ऐसी दिखती है इसकी साइड प्रोफाइल। बात करें टायर साइज की इसकी, तो उसमें आपको मिलता है 195/55R16 का आपको टायर मिलता है इसके अंदर। 16 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं इसके अंदर आपको। यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है आपको, नीचे कोई यहाँ पे कैमरा देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर आपको सेंसर देखने को नहीं मिलता। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ, तो ऐसे दिखता है इसका डोर। यहाँ पे आपको मिलता है स्विच, बटन क्या है, एंटी पिंच आपको मिलता है इसके अंदर। ये आपको मिलता है, यहाँ पे मिलता है लॉक एंड अनलॉक। सिल्वर फिनिश में आपको मिलते हैं डोर हैंडल, और ये आपको कंट्रोल मिलते हैं यहाँ पे। नीचे की साइड आपको स्पीकर मिलता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। यहाँ पे बोतल स्पेस मिल रखा है, डोर ट्रिम आपको मिल जाएगा फिर उसमें प्लास्टिक में ही। बात करते हैं सीट की, तो आपकी ये आप मिलता है यहाँ पे। चलते हैं इसके अंदर की तरफ, ये आपको मिलते हैं कंट्रोल सारे, म्यूट एंड वगैरह, ये सारे कंट्रोल्स। यहाँ पे कॉल उठाने का क्रूज बटन वगैरह, बीच में मिलता है वोक्सवैगन का लोगो, एयर बैग। बात करें इसके यहाँ पे स्पीडोमीटर की, तो ऐसा दिखता है आपको। यहाँ पे मिलता है RPM मीटर, स्पीडोमीटर, बीच में मिलता है डिजिटल, ये सारे सेट करने के मिलते हैं आपको। इसके अंदर ही सारे होते हैं फीचर। एक सेकेंड, ये आपको ट्रिप दिखाता है कितने किलोमीटर चल जाएगी, कितने किलोमीटर चली हुई है, ये रही, ये सारी चेंज हो रही है, कितना किलोमीटर ये है आपको। बात करते हैं स्टीरियो की, तो उसमें आपको मिलता है 8 इंच का स्टीरियो, ये सारे कंट्रोल है, रेडियो मीडिया वगैरह ये सारे इसमें। अगर चलते हैं फ़ोन सारा आपको मिलते हैं। ये आपका वॉल्यूम बटन, ये आपका आपको यहाँ पे मिलता है ऑक्स, पेन ड्राइव का आपको मिलता है यहाँ पे पोर्ट, नीचे एसी वेंट मिलता है आपको ऑटोमेटिक। नीचे सारे कंट्रोल दे रखे आपको, नीचे साइड आपको मिलता है का एक स्पेस, और ये आपको मिलता है यहाँ पे, आपको यहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है आर्मरेस्ट, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है आपको आर्मरेस्ट। ये आपको स्लाइडेबल ऐसे कर सकते हैं आप ऊपर। अब बात करिए आप ग्लव बॉक्स की, तो उसमें आपको ऐसे मिलता है, काफ़ी अच्छा स्पेस है ग्लव बॉक्स में। अब यहाँ पे आपको IRVM मिलता है, ये आपको ऑटोमेटिक मिलता है IRVM इसमें। ऊपर की साइड आपको मिलती है ये लाइट्स, वैनिटी मिरर, आपको यहाँ पे कोई मिरर देखने को नहीं मिलता। इस साइड आपको देखने को मिलता है लैम्प, देखने को नहीं मिलती। ये आपको फोल्ड ग्रिप, ये आपको एसी वेंट आपको मिलता है नॉर्मल्स, सिल्वर फिनिश में मिलते हैं आपको यहाँ पे। ये 1000 लाइट आपको मिलती है इसके अंदर। यहाँ पे ऐसा स्पेस मिलता है, यहाँ पे एयर बैग की बैचिंग मिलती है इसके अंदर। चलते हैं इसके पीछे की तरफ, पीछे जाने से पहले आपको दिखाते हैं इसमें, ये आपको इसमें लाइट के कंट्रोल दे रखे हैं। इसे यहाँ पे आपको चाबी लगती है, वाइपर कंट्रोल। चलते पीछे की तरफ, तो ऐसा दिखता है इसका डोर। तो ये आपको सिर्फ फिनिश मिलती है पर विंडो को स्विच, वो हैंडल ग्रिपर, ये हैंडल पकड़ने के लिए स्पीड दे रखा आपको स्पीकर। ऐसे दिखती इसके पीछे की सीट। चलते इसके अंदर की तरफ, तो स्पेस आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। पीछे एसी वेंट दे रखे आपको उसके अंदर, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट। ऐसा दिखता इसका तो ये स्पेस। पीछे आपको पार्सल ट्रे दे रखी है, आपको हमने देखने को नहीं मिलता इसके अंदर। ये आपको हाइट एडजस्ट मिलता है इसके अंदर। चलते हैं इसके बूट की तरफ, तो आपको बूट खोल के दिखाते हैं इसके अंदर की तरफ।
तो इसको ऐसे करके ऐसे खुलता है ऐसे, तो ऐसा दिखता है काफ़ी। बूट स्पेस, बूट स्पेस की बात करें तो उसमें 280 लीटर का दे रखा है। बात करें इसके टायर प्रोफाइल की तो उसमें आपको दे रखा है स्पेयर व्हील, आपको दे रखा है इसके अंदर 175/70 R14 का टायर दे रखा है इसके अंदर। अच्छा खासा स्पेस दे रखा है इसके अंदर, आप लगेज वगैरह आराम से रख सकते हो। ऊपर पार्सल ट्रे दे रखी है, यहाँ पर आपको ग्रिप दे रखी है बंद करने के लिए, यहाँ पर आपको वाइपर दे रखा है, यहाँ पर डीफोगर, यहाँ आपको यहाँ पर स्टॉप माउंट लैंप मिलती है, यहाँ पर पियानो फिनिश में आपको मिलता है स्पॉयलर्स का, ऊपर एंटीना दे रखा है आपको। लाइट की बात करें तो एक सेकंड आपको लाइट जला के दिखाता हूँ मैं उसकी, ऐसी दिखती है इसकी लाइट जलने के बाद, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। अब बात करें यहाँ पे आपको बैजिंग दे रखी है TSI की, या बोलो की दे रखी है बैजिंग आपको। नीचे की बात करें तो आप आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलता है, 1, 2, 3, 4 उस साइड मिलते हैं आपको। रियर कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको रियर कैमरा मिलता है, नीचे की साइड ऐसे दिखता है आपको, डबल टोन में मिलता है ब्लैक एंड वाइट में, ये आपको रिफ्लेक्टर दे रखा है इस साइड, ऐसे दिखते हैं रियर प्रोफाइल। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो आपको ऐसे दिखती है। चलते हैं इसके इंजन की तरफ, इंजन को भी दिखाते हैं आपको एक सेकेंड। तो इंजन ओपनर आपको यहाँ पे दे रखा है इसका, बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन के जिसमें आपको दे रखा है 99cc का इंजन दे रखा है, मैक्स पावर 108.62 BHP की निकालता है, टॉर्क उसमें 175 Nm की दे रखी है। बाकी आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी। बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो ये आपको पड़ती है 8,03,000 की वैल्यू ऑफ मनी है, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दे रखे हैं। वीडियो को पे करते ख़त्म, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना ध्यान रखें। टाटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।